सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ रहने भी चाहिए। अब बात करने वाले हैं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के न्यू एडमिशंस 2023-24 के बारे में। ठीक है, अपडेट मिल चुकी है। इससे पहले तो आप ये देखिए कि जो कोविड महामारी एक बार फिर से लौट कर आ रही है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार अगर कोविड के केस फिर से इंक्रीज होते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, तो लॉकडाउन लगना यहाँ पे सुनिश्चित है। और लॉकडाउन अगर लगता है तो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एडमिशंस को लेकर हैं या कोई जॉब्स को लेकर हैं, सारे एग्ज़ाम्स आपके प्रभावित होंगे। वो इफ़ेक्ट होंगे उन पर, जो है लॉकडाउन का इफ़ेक्ट उन पर सीधे सीधे पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि अभी तो खैर जो CUET के जो फॉर्म निकलेंगे वो अभी आने में इनमें लेट है, लेकिन एग्ज़ाम्स आपका इसका मई जून में ही होगा। ठीक है, जैसा कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है मई जून में आपका रहेगा, लेकिन जो है अगर लॉकडाउन यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम्स डिले भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, जो स्नातक CUET UG के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के जो रजिस्ट्रेशंस हैं यहाँ पे फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे CUET तो कंपलसरी है जैसे कि आप सभी को पता है, और इस बार से जो एफिलेटेड कॉलेज है उनके लिए भी CUET कंपलसरी है। ठीक है, तो सभी जितने भी कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सभी के लिए CUET जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यहाँ पे कंपलसरी जो है कर दिया गया है। तो गढ़वाल विवि, गढ़वाल केंद्रीय विवि में स्नातक प्रथम सेमेस्टर 2023-24 के प्रवेश के लिए 21 से 31 मई के बीच में यहाँ पे CUET जो है एंट्रेंस, तो जैसा कि मैंने बताया मई जून में इसका एग्ज़ाम्स होना डेफिनेट है, उसी टाइम पे इसका एग्ज़ाम्स आपका हो जाएगा। और फरवरी प्रथम वीक से, फर्स्ट वीक से जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सत्र 2022-23 से देश के समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का नियम लागू किया है। परीक्षा की जिम्मेदारी NTA को दी गई है। इसी के तहत गढ़वाल विवि में भी चालू शिक्षा सत्र में CUET उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रवेश मिला था, लेकिन इस साल बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम देर से घोषित होने और NTA की ओर से प्रवेश परीक्षा हेतु पर्याप्त तैयारियां नहीं की जाने की वजह से परीक्षा में काफ़ी जो अव्यवस्थाएं हावी रही। इससे जो शिक्षण सत्र काफ़ी देर से शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस पुराने अनुभव को देखते हुए जो विवि अनुदान आयोग है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने अगले सत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CUET के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अनिल नोटियाल ने बताया कि स्नातक में प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीकरण फरवरी 2023 से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकरण एवं परीक्षा की तिथि NTA की ओर से बाद में घोषित की जाएगी। तो अब जैसा कि आपको भी पता है कि जो फर्स्ट टाइम जो है CUET जब इस साल हुआ था 2022-23 के लिए, तो यहाँ पे जो एफिलेटेड कॉलेज थे उनको यहाँ पे छूट दी गई थी। ठीक है, क्योंकि देखिए अब क्योंकि काफ़ी जो है यहाँ पे जो है जो एग्ज़ाम्स की जो तैयारी थी वो नहीं थी सभी कॉलेज की, तो वो इस वजह से जो है इस बार जो है एफिलेटेड कॉलेज के लिए छूट दी गई थी। लेकिन इस साल से जो है कंपलसरी है CUET इंट्रेंस एग्ज़ाम्स, बिना CUET इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आप एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर देनी है, जिन्होंने प्रिपरेशंस अगर अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दीजिए। और मॉडल पेपर जो आपको बताया है, जो आप इस साल का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ है उसके जो क्वेश्चंस है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं, जो परीक्षा का जो पैटर्न्स है, जो सिलेबस है, वो किस तरीके से जो है वहाँ पे एग्ज़ाम्स पूछे गए हैं, तो उससे आपको एक जो है यहाँ पे जो है प्रिपरेशंस का एक जो है जो तैयारी है आपकी वो अच्छी हो जाएगी। बाकी देखिए फॉर्म जब भी आएंगे यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और कोशिश रहेगी गाइस क्वेश्चंस आंसर्स की यहाँ पे मैं अपडेट लाते रहूँ वीडियोस की। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई दूसरा चैनल मेरा यहाँ पे जिस पे कि वीडियोस अपलोड होगी तो वो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप उस चैनल्स पे भी देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो प्रिपरेशंस करवाते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा जो है हार्ड एग्ज़ाम्स इसका आता नहीं है, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इसके प्रिपरेशंस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका फ़ायदा क्या है कि देखिए अब अगर आप CUET देंगे तो इससे आप जो है टॉप की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। ठीक है,
तो फिलहाल तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशंस अपनी जारी रखनी है, अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे किस तरीके से जो है कोरोना के केस इंक्रीज होते हैं, क्या जो है एग्ज़ाम्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है कोरोना का। ठीक है, तो आपसे जल्दी मिलेंगे।